हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले बैंक ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड, इस स्टॉक में देखें तो आज के दिन 45 पैसे की गिरावट देखने को मिली है और ये स्टॉक ऑलमोस्ट 1.5% से भी ऊपर की गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आएंगे और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर हम इस स्टॉक में टेक्निकल चार्ट पर आए तो कुछ इस प्रकार का चार्ट पैटर्न देखने को मिला है, जहां पर पीछे के एक हफ्ते में इस स्टॉक में 6.5% की गिरावट देखने को मिली है और एक महीने के अंदर इस स्टॉक में 16% की गिरावट देखने को मिल रही है। इस स्टॉक में देखें तो एक टॉप हाई बॉटम बनता हुआ नजर आया, ₹34.35। ऊपरी लेवल पर इस स्टॉक में एक दबाव देखने को मिल रहा है, जहां पर इस स्टॉक का नीचे का भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल निकल के आता है ₹22। ₹22.90 इस स्टॉक का नीचे के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, जहां से इस स्टॉक में पहले भी एक बड़ी तेजी देखने को मिली है। तो अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आप यहीं का लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस ट्रेड करके चल सकते हैं। यहां से इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के टारगेट ₹35 तक के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं। और अगर आप इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म का व्यू रखते हो तो अराउंड ₹24.30 के एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के शॉर्ट टर्म टारगेट ₹26 और सेकेंड टारगेट ₹26.50 तक के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं। इस स्टॉक में देखें तो ऊपरी लेवल से एक भारी गिरावट देखने को मिली है, जहां पर ये स्टॉक एक महीने में 15% की करेक्शन दिखाता हुआ नजर आ रहा है। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।